ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर के थाना गंगोह इलाके के वजीरपुर मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के आमने सामने उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। फायरिंग के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस तथा लूटा हुआ सामान बरामद हुआ है। इस बदमाश ने एक दिन पहले ही गंगोह में पीएनबी बैंक के सामने महिला से लूट की थी। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर और जानकारी खंगालने में लगी हुई है। आज थाना गंगोह क्षेत्र में पुलिस के द्वारा रूटीन चेकिंग किया जा रहा था, तभी एक बदमाश मोटरसाइकिल में आया। उसको रोकने की कहा गया था और उसने रोका नहीं, पुलिस पार्टी पे फायरिंग करके भागने की कोशिश किया, फिर उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल भी हुआ है। उससे जो माल रिकवर हुआ है, उसे पता चला कि कल ये महिला के साथ इन्होंने स्नैचिंग किया है, जो थाना गंगोह क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक के पास की एक घटना है, जिसमें उन्होंने पर्स और मोबाइल और पैसे वगैरह उनके जो छीन के चला गया था, वो आज रिकवर हुआ इनसे। और इनके खिलाफ उसी क्रम में एक मुकदमा लिखा गया था लूट का गंगोह में, उसका सारे माल रिकवर हुआ है। और लूट में प्रयोगित जो यूज़ किया गया मोटरसाइकिल और जो इलीगल कंट्री मेड पिस्टल और कारतूस वगैरह बरामद किया गया है। जो घायल बदमाश को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, वो अभी आउट ऑफ डेंजर है और आगे की कार्रवाई की जाए। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।